लड़कों में बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब अच्छा रखने का यू नो यू आर नॉट गुड इन बेड योर पीन इज स्मॉल यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल यू आर नॉट लास्टिंग लॉन्ग इनफ इन बेड द काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट मेन फेस फ्रॉम देयर मेंटल हेल्थ स्टैंड पॉइंट आर जस्ट नॉट पेड इनफ अटेंशन एंड प्रॉब्लम यह है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है बस एक कपल आया तो पिछले सात साल से दे वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी नहीं काम चल रहा था टेस्ट वेस्ट करे टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला पिछले सात साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है बच्चा पेट से आता है ओरल सेक्स कैन लीड टू माउथ कैंसर बैक ऑफ द थ्रोट कैंसर ओरोफेरेंजियल कैंसर जिसे हम बोलते हैं लेट्स टॉक अबाउट फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आर मार्केटिंग गिमिक्स वजाइनल वॉश या पेनिस वॉश बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास पेनिस लेंथनिंग क्रीम स्पिल सॉल्यूशंस

डॉक्टर तनाया नरेंद्र क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई सेक्शुअल हेल्थ में उन्होंने बहुत डेप्थ में रिसर्च करी एंड इंडिया में आके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रही है और उनके बारे में कंटेंट बना रही है ताकि आप और हम सीख के बेटर एंड सेफ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करें इनफैक्ट उन्होंने हमसे बात करिए कि इंडिया में कौन सी मिथ्स हैं इंडिया में गलत बातें लोग क्या मानने लग जाते हैं कैसे एक स्कैम चल रहा है कैसे एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर लोग डरा के धमका के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं एंड उन सब में क्या गलत है और क्या सही है इन सब के बारे में बात करिए आज के एपिसोड में वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड क्योंकि आपको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि आपकी हेल्थ को आप कैसे बेटर कर सकते हैं कैसे बेटर प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं लीगल क्या है इलीगल क्या है और अगर कुछ कभी गलत हो जाए तो उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं इन्जॉय टुडे शो एंड बिफोर यू इन्जॉय राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं इन्जॉय द शो न थिंग वेन यू रीड अबाउट दिस कंट्री बहुत ज़्यादा दैट इज़ फर्टिलिटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में राइट right? और इंडिया का ओवरऑल जो परसेंटेज है इनफर्टिलिटी का ऊपर उतारे जा रहा है पीपल आर नॉट हेल्दी इनफ इफ दैट्स अ वर्ड और या तो आई डोट नो वॉट्स अ वर्ड फॉर इट बट पीपल आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू नाओ हैव अ बेबी और ये बहुत बढ़ते जा रहा है कंट्री में बहुत सारे सेंटर्स खुलते जा रहे हैं बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में ये बढ़ते जा रहे हैं राइट एंड इट हैज़ बिकम इफ नॉट वेरी कॉमन बट सम समॉट लेवल पे हर कोई हर किसी की फैमिली में किसी ना किसी को कुछ हुँ. ना कुछ पता है इट हैज़ रीच टू दैट लेवल वाई डू यू थिंक इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ते जा रही है तो एक तो सबसे बड़ा सोसाइटी परसपेक्टिव है कि पहले इन चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे लोग क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थे पिछले पचास साल में आई का ऑप्शन आया है उससे पहले होता था ठीक है भाई बांझ है तो या तो दूसरी शादी कर लो या बच्चा गोद ले लो बांझ मतलब इनफर्टाइल uh, है एंड okay. ये जनरली माना जाता है कि फर्टिलिटी औरतों से आती है जबकि फर्टिलिटी में हम देखते हैं फोर्टी परसेंट मेल फैक्टर होता है फोर्टी परसेंट फीमेल फैक्टर होता है ट्वेंटी परसेंट अनएक्सप्लेन होता है या कंबाइंड फैक्टर होता है आई थिंक वाट मेन नीड टू रिमेंबर इज़ द बिगेस्ट थिंग जो हम नहीं ध्यान दे रहे हैं वन सिंपल थिंग जिससे आप अपनी सेक्सुअल और फर्टिलिटी हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं सुट्टा छोड़ सकते हैं <laughs> ये बेस्ट और सिंपलेस्ट चीज़ है बिकॉज स्पर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर तीन महीने पे स्पर्म का नया फैक्ट्री डिलीवरी नहीं आती है ऐसे समझ लो अब उसको आप कैसे पॉलिश कर रहे हो कैसे नर्चर कर रहे हो कैसे ग्रो कर रहे हो वो आप पे डिपेंडेंट है पर हर तीन महीने, हर तीन महीने पे फैक्ट्री रिसेट हो जाता है अगर आपने आज छुट्टा छोड़ा तीन महीने बाद वेन यू गेट योर न्यू फैक्ट्री रीसेट, तो दैट इज़ ऑल न्यू फ्रेश स्पॉन जो आपके पुराने सिगरेट स्मोकिंग से टेंटेड नहीं है मतलब तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट इतने ड्रामेटिकली टेंटेड नहीं है, तो एक सिंपल चीज़ छोड़ के हम बहुत फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्मो सिगरेट स्मोकिंग इज़ गोइंग अप तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली फॉर मैन जिम में स्टेरॉइड्स बहुत अब्यूज़ करते हैं जिससे टेस्टेको वॉल्यूम और फंक्शन पर फ़र्क पड़ता है इसके अलावा एक हमारी बहुत बुरी और आदत है लैपटॉप गोदी में रख के काम करना तो टेस्टिकल्स के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है इसी वजह से जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है टेस्टिकल्स बॉडी से दूर हो जाते हैं लोअर हैंग करते हैं और ठंडी होती है तो श्रिंक करके ऊपर खिसक जाते हैं तो बिकॉज वो सेल्फ रेगुलेटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ऐसे समझ लोन का वो मसल्स के थ्रू अपने आपको रेगुलेट करते हैं कि कितना ऊपर कितना शरीर के क्लोज और कितना दूर रहना है बट अगर उसी पर हम लैपटॉप रख के बैठे रहें तो आप दिन भर वेरी क्रैस एनालॉजी बट अंडे पका रहे हैं यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट एंड एज आर लाइफ स्टाइल इज गेटिंग वर्स एंड वर्स वर्क आवर्स बदलते जा रहे हैं स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है और इस इस स्ट्रेस को लोग जाके जिम में निकालते हैं विच इज़ ग्रेट बट जिम में गेम्स नहीं दिखते तो फिर स्टेरॉयड अब्यूज़ में चले जाते हैं इन सिंपल लाइफ फैक्टर्स की वजह से वी आर रियली पुअरली अफेक्टिंग मैन की सेक्सुअल हेल्थ सॉरी फर्टिलिटी हेल्थ एंड एट द सेम टाइम औरतों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें फ़र्टिलिटी एजुकेशन नहीं मिलता है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेन यू आर बॉर्न आप एक सेट नंबर लड़कों की तरह नहीं है कि हर समय नया बनता रहे इन एनी गिवन सेकेंड ऑन एवरेज एक आदमी पंद्रह सौ स्पम्प बनाता है तो इस पॉडकास्ट के एंड तक पता नहीं कितना बन जाएगा कलेक्टिवली बट लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है आप जब यूट्यूर्स के अंदर होते हैं तो आपके अंदर ट्वेंट ट्वें, टू मिलियन स्पम्प टू मिलियन एग्स होते हैं हाँ विट इस बीस लाख और जब आप प्यूबर्टी तक आते हैं तो वो बीस लाख से गिर के चार लाख हो जाता है इस बीच में तो आप एग्ज़ यूज़ नहीं कर पाए आपके तो फर्टिल मतलब बहुत छोटे हैं अभी फ़र्टिलिटी के बारे में सोचने के लिए एंड बाय द टाइम आप रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं पच्चीस तीस साल की उम्र होती है तो वह चार लाख से और गिर जाएगा ना क्योंकि हर महीने शरीर एग रिलीज़ करती है कि इस महीने बच्चा आएगा इस महीने बच्चा आएगा नहीं आता है और बाय द टाइम यू हिट थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी फ़ाइव आपकी फ़र्टिलिटी बहुत रिड्यूस हो गई होती है और ये हम नहीं सीखते हैं हमारे पास कितने मरीज़ आते हैं थर्टी एट थर्टी नाइन पर कि अब हमें एग फ्रीज़ करना है जब तक आपका अकाउंट ऑलरेडी इतना ड्रॉप कर चुका होता है सो फर्टिलिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड अगर हम टाइमिंग मैनेज कर सकें एक फ्रीजिंग के थ्रू फर्टिलिटी डीलिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू तो हम बहुत सारी इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ मैनेज कर सकते हैं एंड हियर इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच गॉट मी इन टू दिस वर्क क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करी थी फर्टिलिटी प्रोसीजर्स uh, में दैट इज़ ऑल ऑफ माई एजुकेशन आफ्टर एम बी बी एस पर मुझे ये लगा कि फर्टिलिटी के जो मेन कॉजेज़ हैं ना वो प्रिवेंटेबल है एजुकेशन से चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ के लिए एजुकेशन हो चाहे वो फर्टिलिटी हेल्थ के लिए एजुकेशन हो क्योंकि इंडिया में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज है ट्यूबरकुलोसिस और एस इतना बड़ा कॉज है इनफैक्ट कि अक्सर छोटे सेंटर्स में जहाँ उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं होती है अगर कोई कपल आता है ना इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम के साथ तो उनको वैसे भी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि भाई नौ महीने छः महीने इनको ट्राई द डिपेंडिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं इनको ट्राई करा देते हैं कि शायद ट्यूबोकलोसिस हो अंडरलाइंग क्योंकि इंडिया में किसी का भी टीबी टेस्ट करो पॉजिटिव ही आएगा अगर स्किन टेस्ट करो क्योंकि इतना एक्सपोजर है हमारा टी से um, स्किन एक स्किन टेस्ट होता है देखने mm -hmm. के लिए कि आपका ट्यूबोकोलोसिस से एक्सपोजर हुआ है कि, थे कि थे नहीं डजेंट मीन कि आपको इन्फेक्शन हुआ है तो एंड छोटे सेंटर्स में जनरली हम मॉन्टू से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं विच इज़ दैट स्किन टेस्ट तो अगर हमें इसके बारे में एजुकेशन मिले ना तो ये जो आगे के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत प्रिवेंटेबल हैं अगर हम कॉन्डम यूज़ एडिक्वेट सीखें सेफ सेक्स के बारे में सीखें सेक्सुअल हाइजीन के बारे में सीखें तो आगे ये सब प्रॉब्लम्स पहुँचेंगे ही नहीं पेल्विक इन्फ्लेटरी डिजीज़ जो होती है जो बार बार पेल्विस या जेनेटल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन से होती है वो नहीं होएगी तो आपकी आगे की इनफर्टिलिटी के क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे और ऑब्वियसली फर्टिलिटी एजुकेशन की इस समय पर बच्चा करना चाहिए या hmm. या, you know, के प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं वेरी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम इतने की जरूरत है नहीं जितनी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ डू यू थिंक अपार्ट फ्राम सिगरेट्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग एक्सेट्रा इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो लोग कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जिसकी वजह से मे बी उनका टेस्टेस्टोरॉन लेवल कम हो रहा है या ओवरऑल इनफर्टिलिटी का रीज़न बनते जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन से हम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर वगैरह को लिंक करते हैं ऐसा होता नहीं है लो टेस्टोस्टेरोन इतना कॉमन नहीं है जितना हम समझते हैं और इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है अगर इतना लो टेस्टॉस्टरॉन है कि फर्टिलिटी में फ़र्क पड़ रहा है तो वो काफ़ी ड्रामेटिक होता है तो दस नॉट वेरी अबाउट दैट इज़ वट आई वॉन्ट टू से काफ़ी सारे इंटरनेट पे हेल्थ प्रोज बताते हैं कि टेस्टॉस्ट्रॉन बढ़ाने के तरीके उससे बहुत It's कुछ होता नहीं है वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक इन हेल्थ हाउ टू योर टेस्टोस्टेरोन मैंने LinkedIn पे देखा था ट्विटर पर देखा था कि किसी डॉक्टर ने अपने uh, किसी रेसिडेंसी एप्लीकेशन में लास्ट में मेंशन किया है कि मेरा ये ब्लड uh, काउंट है ये मेरा हीमोग्लोबन ये मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल है जस्ट टू शो कि मैं इतना सुपर ह्यूमन एथलीट हूँ so it's 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 not that important i think there are simpler things we need to focus on is what i mean and you know what you were saying before this that ladke usually openly share that's so true because i was recently discussing with one of my friends they were a couple right and we were talking about this about sexual problems right and the girl says ki jab mujhe kuch problem aati hai openly apni right it's

थे एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग हर सेक्शुअल जर्नी वो अप एंड डाउन है कभी अच्छा है कभी बेकार है कभी नहीं है राइट ऑल ऑफ दिस तो आईम श्योर sure वो लड़का भी होगा उसमें इन्वॉल्व उसका भी अप एंड डाउन बेटर अप डाउन हो रहा होगा राइट right? बट वो कभी नहीं शेयर करता और कोई बात नहीं करेंगे इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि लड़कों में फिर से अगेन प्रेशर की बात आ जाती है लड़कों में बड़ा प्रेशर होता है सेक्स लाइफ को मतलब तो अच्छा रखने का कि और गैजन देना लड़के की रिस्पॉसिबिलिटी है क्लिटरिस लिटरिस ढूंढना लड़के की जी स्पॉट वट एंट टू कॉल इट लड़के की रिस्पॉसिबिलिटी है एंड प्रॉब्लम ये है कि इन बेचारे लड़कों को कोई एजुकेशन तो मिली नहीं है ना हमारी लड़कियों को मिली है ना उन बेचारे लड़कों को मिली है तो दो कन्फ्यूज़ लोग एक सक्सेसफुल एम के लिए दौड़ रहे हैं और सारा प्रेशर लड़के पर कि भाई यू नो यू आर नॉट गुड इन बैड यू अपस स्मॉल यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल यू आर नॉट लास्टिंग लॉन्ग इनफ इन बैड तुम क्लिटरस नहीं ढूंढ रहे हो मतलब कम प्रेशर है क्या लाइफ में ये भी प्रेशर और पाल लो बट ये प्रेशर तो है एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा प्रेशर है काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट मैन फेस फ्रॉम देर मेंटल हेल्थ स्टैंड पॉइंट आर जस्ट नॉट पेड इनफ अटेंशन एंड इफ देयर पेड इनफ अटेंशन तो वो जनरली कॉमेडी के थ्रू होता है ट्रोल कोपिंग जिसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ यू नो एक्चुअली फाइंडिंग सोल्यूशन और हैविंग पॉजिटिव कथार्सेज कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व नहीं कर सकते हैं थोड़े दे रो लेते हैं इस बारे में कोई बात नहीं अच्छा अच्छा लगेगा उसके बाद ये ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है <laughs> So, सिबिलिटी किस है G -spot? G -spot किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की नहीं आई थिंक हाँगेजम इज अं रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवी अ कपल चाहे वो फीमेल ऑर्गेजम और चाहे वो मेल ऑर्गेजम हाँ तो ये पूरा ब्लेम जो लड़कों पर बना रखा है वो नहीं होना चाहिए बट टू बी ऑनेस लड़कियों को कौन सा बड़ा पता है उनके शरीर के बारे में मतलब अगैन इट्स टू ब्लाइंड पीपल ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन डोंट नो वट द रूम इज एंड लव दॉजी जोक इज गंग रील इज लाइक आईड सेक्स विद माई गर्ल फ्रेंड एंड देन फिर वो मुझे बोल रही है कि यह मुझे तो I, मुझे तो अकाजम आए नहीं तो बोलता मैंने कौन सा जंगल और नहीं दी <laughs> <laughs> मैं थोड़ी आया था इधर <आएदर> जीतना <laughs> है मुझे बताना चाहिए था पहले <laughs> कि तुम अगर साइन अप कर रहे हो तो तुम्हारे रेस में बाट लिया तुम्हें रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी <laughs> ये तो किसी तो ने बताया ही नहीं बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑगेजम गैप की इतनी बात करते हैं कि यू you नो know, लड़कियों को ऑर्गेज एडिकुटली नहीं हो रहा है पर्टिकुलरली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं कि कंपेयर टू लेसबियन रिलेशनशिप्स बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि लड़कियों को ऑर्गेजम नहीं हो रहा है ये क्यों है क्योंकि लड़कों ने तो पौन से सीखा है भाई जनरली मतलब सब ने पौन से सीखा है और पौन में हमें क्या दिखाते हैं कि ऑर्गेजम पेनीट्रेशन से होता है जबकि 80 परसेंट से ज़्यादा लड़कियों को पेनीट्रेशन से ऑर्गेजम नहीं होता है एंड द फन पार्ट इज़ लड़कियों को भी ये नहीं पता होता है हर लड़की अपना अकेले कमरे में बैठ के सोचती रहती है भाई मेरे में कुछ गलत होगा कि मैंने तो पॉन में ऐसा देखा या मैंने टी में ऐसा देखा इवन और शो जो इतना रेडिकल था सेक्स इन द सिटी जब आया था मुझे बड़ा रेडिकल लगा था मैंने ऐसा रेप्रजेंटेशन देखा ही नहीं था उस शो में भी हमने ये देखा कि लड़कियों का ऑर्गेज कैसे दिखा रहे हैं पेनिट्रेशन से वन द वास्ट मेजॉरिटी एट्टी परसेंट छोटा नंबर तो नहीं होता है एट्टी परसेंट औरतें ग्लोबली ऑन एवरेज स्टैट्स में ये बोलती हैं कि पेनिट्रेशन इज़ नॉट डूइंग इट तो ना लड़की को पता है ना लड़के को पता है एंड अनफॉर्चुनेटली ध्यान भी नहीं दिया जाता है औरतों के ऑर्गेज़म को इट्स नॉट जस्ट दैट कि अवेयरनेस का इशू है लोगों को पता आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता लड़कियों को ऑर्गेजम भी होता है मेरे कंटेंट से मुझे ये समझ में आया है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं लड़कियों को भी सेक्शुअल प्लेजर का कोई पॉइंट होता है उनके दिमाग में कि भाई हम भी कर सकते हैं ये हमारे अंदर भी डिज़ायर हो सकती है तो प्रॉब्लम्स मतलब कहाँ शुरू होती हैं कहाँ ख़त्म होती हैं समझ में नहीं, नहीं आता है वाट्स द एटी परसेंटर इसके स्टेमेशन से तो क्लिटरस जो है एक छोटा सा मटर के दाने टाइप का ऑर्गन होता है वे ओपनिंग के ऊपर होता है और हमें सिर्फ इतना सा दिखता है जबकि इंटरनली काफ़ी बड़ा होता है वो इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर पाम दिखता हमें इतना सा है एंड काफ़ी सारी मोस्ट लड़कियां जो हैं वो क्लिटरस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन स्टिमुलेट करने से ऑर्गैजन करती हैं तो जो लोग बहुत थ्रेटन हो जाते हैं ना कि सेक्स टॉयज बहुत बढ़ रहे हैं आजकल अब लड़के यूजलेस हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज इंटमेस इज समथिंग डिफरेंट पहली बात और चाहे वो ऑर्गेजम सेक्सटॉय के थ्रू आए या लड़के के थ्रू आए या किसी भी पार्टनर के थ्रू आए वो क्लिटरिस से आने वाला है वो पेनिट्रेशन से वैसे भी नहीं आने वाला है पेनिट्रेशन <laughs> प्लेजरेबल बहुत होता है बट इट डजन लीड टू एन ऑर्गेजम ऑल्सो आई थिंक हमें ऑर्गेजम की इंपॉर्टेंस को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है जंग लड़ने नहीं आए हैं हर चीज़ का एंड हर सेक्शुअल एक्सपीरियंस का एंड गेम ये नहीं होता है कि यूर वर्किंग टुवर्ड्स द फिनिश लाइन ऑफ द योरग एज इंटरमिसिंग इन एंड ऑफ इथ सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड सेक्स इन एंड ऑफ इथ सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी प्लेजरेबल सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हर टाइम हर टाइम इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग दर्क एज इट्स फॉर द पार्टनर्स सो so, अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकें ना तो प्रीमेच्योर एजैक्युलेशन का जो स्ट्रेस होता है बहुत सारे प्रीमेचोर एजैक्युलेशन के केसेस एंग्जाइटी की वजह से होते हैं कि क्या मैं लॉन्ग लास्ट कर पाऊंगा कि नहीं जिसकी वजह से हाँ मतलब आपका बॉडी नर्वस स्टेट में चला जाता है हाँ परफॉर्मेंस एंगजाइटी हो जाती है नर्वस स्टेट में चला जाता है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो जाता है जो चीज़ आप प्रिवेंट करने की वजह से यहाँ पहुंचे इन द फर्स्ट प्लेस एंड अगर हम इस तरह इस इस ऑर्गेजम के बंधन को छोड़ दें ना एंड वी जस्ट स्टार्ट इन्जॉइंग द प्रोसेस कि भाई आई एम बिल्डिंग अ कनेक्शन विद माई पार्टनर आई एम इन्जॉइंग प्लेजर विद दैन दे आर इन्जॉइंग प्लेजर विद मी अगर हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर कर लें तो ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना सारी खत्म ही हो जाएंगी बट वॉट यू थिंक इज द बिगेस्ट रीज़न बिग सब लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एनजाइटी की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है परफॉर्मेंस एंगजाइटी वैसे वजह से प्री होता है परफॉर्मेंस एनजाइटी की वजह से फीमेल ऑर्गेजम नहीं हो पाता परफॉर्मेंस एनजाइटी की वजह से शी इज नॉट टर्न आउ एन राइट बहुत सारी तो वॉट आर द वेज दैट पीपल कैन स्टॉप हैविंग परफॉर्मेंस एनजाइटी बोथ द पार्टनर्स आई थिंकल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोलती हूँ गेट क्लिटरेट विच इज़ दैट यू नो इफ यू हैविंग ए निच ऑन योर बैक एंड यू आर स्क्रैचिंग योर आर्म वो खुजली ख़त्म नहीं होने वाली है एंड दैट्स बेसिकली वाट्स हैपनिंग कि हम वजाइना के अंदर एक मैजिकल जी स्पॉट ढूंढते रह जाते हैं क्लिटर इस पर फोकस नहीं करते हैं पेनिट्रेशन पे इतना ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं कि इफ़ यू डोंट लास्ट ट्वेंटी फाइव मिनट्स इन बैड यूर बैड एट परफॉर्मिंग और समथिंग लाइक दैट मतलब पौन तो यही सिखाता है ना <laughs> तो या uh, yeah, आपका पीजस लार्ज इनफ नहीं है तो यू आर बैड एट परफॉर्मिंग तो इन शैकल्स को छोड़ के अगर हम बेसिक समझें कि इंटमेसी क्या होती है सेक्स क्या होता है एंड बॉडी एजुकेशन करें मैं सेक्स एजुकेशन तो बोलती नहीं हूँ बोलती हमें बॉडी लिटरेसी होनी चाहिए वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट ये प्रेशर हटने लगता है जो हमने थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हैं वॉट आई ऑलवेज से इज़ की लर्निंग योर सेक्स एड फ्रॉम पॉन इज़ लाइक गेटिंग योर फिजिक्स लेसन फ्रॉम अ रोहित शेट्टी फिल्म रियलिस्टिक नहीं, नहीं है ऐसा नहीं होता है <laughs> तो अगर हम ये प्रेशर ही हटा दें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दिस एजुकेशन इज़ सो सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी इट ऑल कम्स बैक टू एजुकेटिंग पीपल अबाउट ऑल दिस बिकॉज इफ़ वी लेट गो ऑफ दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अंडरस्टैंड वॉट इज एक्चुअली सपोज टू हैपन आदि प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएंगी ओके वॉट आर पीपल डूइंग रॉन्ग वेन हैव सेक्स वॉट डू द डू रॉन्ग नॉट फ्राम द प्लेजर पॉइंट ऑफ यू फ्राम द पॉइंट की एक दूसरे की हेल्थ के लिए कितना खतरा है और क्या सही हैबाउट औरल से यू आर टॉकिंग अबाउट फीमेल कॉन्डम्स इन बताने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी इट वॉज लाइक लॉन्ग टाइम अगो एंड आई फाउंड इट वेरी फैसिनेटिंग कि ओके okay, सेक्स हमेशा देखा जाता है कि इट्स अ प्लेजरेबल एक्टिविटी ग्रेट बेस्ट इज तुम्हें अगर एस टी आई नहीं चाहिए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं चाहिए डिसीज़ नहीं चाहिए तो तुम कॉन्डम्स यूज करो एंड दैट्स इट पर क्या क्या मतलब होता है जिसकी वजह से तुम डू बोथ आर एट रिस्क एंड वॉट आर द डेंजर्स ऑफ इट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्या <laughs> करना चाहिए ऑल ऑफ दैट राइट क्योंकि सो फर्स्ट टाइम वन आई गोट टू नो अबाउट इट राइट देवर देवर टू थाट्स वन वर्स एक तो तुम्हें ना कोई सिखाता है जो तुमसे बड़ा हो कोई भैया अंकल टाइप राइट वो तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम उन्हें बने एजुकेटेड समझते हो इट्स नॉट कि फालतू पौन ज्ञान दे रहे हैं वो तुम्हें कुछ सिखाते हैं और वो जो बोलते हैं मतलब वही तुम्हारे लिए प्ले बुक है yeah. हाँ वही तुम्हारे लिए प्ले बुक है क्योंकि और तो पता नहीं है कहीं पे कुछ भी क्योंकि यूट्यूब पे जाके देखा नहीं किसी ने कि हाउ टू डू द राइट वे वॉर्ड द राइट वे ऑफ हैविंग सेक्स राइट इट्स इधर पौन और दिस गाय तो तुम्हें पता नहीं है एंड देन देर इज़ वन वे विच इज़ कि जहाँ पे जो विच इज़ बुक्स विच इज़ अवेयरनेस डॉक्टर्स लाइक यू क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑल ऑफ दैट एंड मोस्टली लोगों को भैया टाइप के बहुत ही कॉन्टेंट hmm. आता है स्कूल में सिखालते हैं कॉलेज में सिखालते हैं इधर उधर बाहर होते हैं राइट दैट्स वाई सो फॉर द लाइक आई डिन ओबियसली इट वॉज वेस्ट सून बिफोर आई इवन स्टार्टिड हैविंग सेक्स उसके पहले मेरे को ज्ञान दिया था ग्रेट थिंग दैट मैन आई स्टार्ट हैविंग सेक्स तब मेरे पास काफ़ी नॉलेज था बुक वाला इंटेलिजेंट डॉक्टर वाला सो दैट आई डिन दैर इज द बिगेस्ट थिंग दे वॉज लाइक अगर आपका एक पार्टनर हो ना तो आपको प्रोडक्ट एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है दिस वज़ लाइक अ यूज थिंग इन माई कॉलेज एंड फ्रेंड ग्रुप एंड दे वॉज लाइक यू डोट यू डू यूज कॉन्डम फर वन पार्टनर और क्या फ़र्क पड़ता है यार फिर थोड़ी एस टी आस टी आई तब होंगे जब तुम मतलब तुम्हारे मल्टीपल पार्टनर्स हो तो फिर तुम इधर उधर के इन्फेक्शन इधर उधर करोगे और तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो गए दिस मेट सेंस लैक दैन What 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 do you feel? What do you you feel? think about? Like is is it right, wrong? What is his myth? I'm thinking of an analogy for this. Just basically जब COVID के time पे अगर आप घर से निकल के सिर्फ दूध वाले की दुकान पे जा रहे हैं वापस आ जा रहे हैं दूध लेके दूध ब्रेड अंडा खरीद के, के सुबह वर्सेज आप सुपर जा रहे हैं एक्सपोजर तो हो रहा है ना फिर भी चाहे कम एक्सपोजर हो पर हो तो रहा है एंड लोग sexual सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में ये समझते हैं कि एस होने के लिए सेक्स करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है समटाइम सेक्शुअल टच इज़ इनफ जैसे हॉपीज़ हो गया हॉपीज़ टच से फैल सकता है लोगों को अपने नेल में हरपैटिक वेट लो हो सकता है तो एस टी आई मतलब इन्फेक्शन है यार इन्फेक्शन खांसी जुकाम कहीं से भी उठा लेते हैं तो ये भी कहीं से भी उठा सकते हैं <laughs> ऐसा नहीं है कि आपको सेक्स करने की ज़रूरत है फॉर इट विच इज़ वाई कॉन्डम्स भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हैं बट ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट परफेक्ट कॉन्डम यूज़ के बाद भी आप हर एस टी आई से बच जाएंगे इसलिए बेसिक हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है हाँ धो के रखो बहुत सिंपल बात है एंड <laughs> uh, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद सो मेनी पीपल आर हैविंग सो मच सेक्स इन दिस कंट्री बट हमें फिर भी बेसिक्स नहीं पता है आई थिंक माई फेवरेट स्टोरी दैट आई लाइक टू शेयर एवरीवेयर वन ऑफ़ द फाउंडेशन्स ऑफ वाई आई गॉट इन टू दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट सो बोथ माई पेरेंट्स आर फर्टिलिटी डॉक्टर्स माई डायट डील्स विद मेल फर्टिलिटी माई मम डील्स विद फीमेल इन फर्टिलिटी और इन लोग के पास एक कपल आया तो पिछले सात साल से वो ट्राइंग टू हैव अ बेबी नहीं काम चल रहा था सो टेस्ट वेस्ट करे गए टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला दे वॉज नो रीजन वाई दिस कपल शुड बी स्ट्रगलिंग बहुत देर माथा बच्ची करीब फाइनली माई डैड वॉज लाइक क्या चल रहा है भाई उसको चेंबर में लेके गए कहा तुम कर क्या रहे हो एंड इट टर्नस आउट पिछले सात साल से ये आदमी अपनी वाइफ के बेली बटन में पेनिट्रेट कर रहा था क्योंकि पेट में छेद है बच्चा पेट से आता है सो <laughs> <So, laughs> ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है पच्चीस साल पुरानी कहानी है वो जो बच्चा पापा ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया कि भाई एक्चुअली ये होता है ये सब एक्सप्लेनेशन के विद इन टू मंथ्स द लेडी वॉज प्रेगनेंट आई नो द किड दैट वॉज बॉर्न फ्रॉम इट और ये पच्चीस साल पुरानी बात है एंड प्रॉब्लम ये है कि आज भी हालत एजुकेशन की यही है अब खैर पौन से लोग समझने लगे हैं काफ़ी कुछ बट फिर भी मतलब कुछ सही तो सीख नहीं रहे हैं पौन से तो इतना ज़्यादा इट ऑल कम्स बैक टू दिस द प्रॉब्लम्स आर सो फंडामेंटल यू नो दैट दे आर सॉल्वेबल बट इतना मसल लगेगा उसके लिए फॉर लेस देन स्ट्रेट पीपल इज इट डिट इट्स नॉट इट्स द सेम बस कुछ वैक्सीन हैं जो हम रिकमेंड करते हैं पीपल ऑफ द कम्युनिटी इन पर्टिकुलर। हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर a ऑफ़ द the कम्युनिटी यू शुड डेफिनेटली गेट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एच vaccine वी वैक्सीन हम सबको बोलते हैं मंकी पॉक्स बीच में फैला था इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन द गे कम्युनिटीज़ एक्चुअली तो उसमें भी हम लोग तब मंकी पॉक्स का जो वैक्सीन आया था हम रिकमेंड कर रहे थे आई डोट नफ इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एट ऑल तो जनरली दज नो आर डिफरेंस वट वी डू वॉन्ट टू एम्फिसाइज इज़ की वट एवर योर ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम

कुछ भी हो रहा है आपका एक्सपोजर तो हो रहा है ना सीमेंट से अब आप वही इन्फेक्टेड सीमेंट को लेके स्पिट कर दे रहे हैं एक्सपोज तो हो गए सॉलो कर दे रहे हैं एक्सपोज तो हो गए इज़ जस्ट यूज नो और गेट एन एस टेस्ट दोनों पार्टनर्स करा लो उसके बाद स्पिट करना है सॉलो करना है जो करना है पार्टी करो बट यार लाइक ओरल सेक्स कैन लीड टू माउथ कैंसर बैक ऑफ द थ्रोट कैंसर ओरो कैंसर जिसमें बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड इस इज राय अगर इफ यू हैविंग ओरल सेक्स विद यू नो समी हुजेंट है पीनस तो आप एक डेंटल डैम बना सकते हैं बेसिकली कॉन्डम को लो उसका ऊपर का पार्ट काट दो नीचे का पार्ट काट दो तो एक ट्यूब बन जाएगी फिर उसको ऐसे काट दो तो एक स्क्वेयर बन जाएगा फुल दैट स्क्वायेर ऑन द वलवा और दिनोस वेर अब एंड देन हैव ओरल सेक्स मतलब एक बैरियर बनना चाहिए बस कि डायरेक्ट फ्लूड से कॉन्टैक्ट ना हो interesting <laughs> <laughs> this is all of these things are new this is these are new key oral sex se cancer ho sakta. I never knew this <laughs> <laughs> Haan, like protect so protected sex even oral that's that, that's that's a word of and that is something that everybody should practice but I didn't hear about mouth cancer throat cancer okay there's one moment which is becoming very evident these days that is nofap. Mm. Have you heard of it? Mm -hmm. No FAP movement. No, not November. <laughs> <laughs> so, what are the advantages and disadvantages of No Not November or No FAP movement? So, I think a big confusion on the internet is that people think No FAP means no masturbation. Actually, the origins of the No FAP movement are no porn. The founders of the No FAP movement, if you look at their website, also.

ओके okay. सो so, एक एंशियन चाइनीज़ प्रिंसिपल था विच बेसिकली सेट कि आपके सीमेंट में बहुत पावर होती है उसको ची बोलते हैं क्यू आई um, और आप अपनी ची को कंजर्व करिए विदाउट एजैक्यूलेटिंग तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब ये आया तो ये तांत्रिक सेक्स में चला गया जहाँ पे ये था कि आप ड्राई ऑर्गेजम कैसे कर सकते हैं कि आप यू हैव एन ऑर्गेजम पर आप इजैक्यूलेट ना करें और इसके लिए थोड़ी टेक्निक सीखनी पड़ती है एंड इट वॉज जस्ट कि अलग टाइप का सेक्स ये कहीं पे कुछ तो मिसइंटरप्रिटेशन हुई मिक्सअप हुआ और सारी चीज़ें मिला के इन्होंने बोल दिया दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट स्टार्टड क्लेमिंग कि अगर आप एजैकुलेट करेंगे तो आपकी बॉडी से प्रोटीन बहुत लॉस हो जाएगा मेरी बुक में कहीं सीमेन का कंटेंट अनालिसिस है कि कितना कम प्रोटीन होता है उसमें वो इतना भारी प्रोटीन का नाश नहीं हो रहा है um, आपके बॉडी से वाइटल मिनरल्स चले जाएंगे ऐसा कुछ बहुत ज़रा सा अमाउंट निकलता है यार टू टू फाइव एम निकलता है क्या इट इट्स लाइक अ टी क्या निकाल लोगे उसमें सो इफ यू आर कंसर्नड अबाउट कि आपका पौन या मैस्टेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको ये हेल्प कर रहा है तो मस्त करो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट एट ऑल वट एम अगेंस्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन तो नो तो फैप का रियल मतलब है कि पॉन मत देखो हाँ ऑब्वियसली नाउ इट्स बिकम अ मूवमेंट जिसमें काफ़ी लोग को फ़ायदा होता है मास्टरबेट ना करने से अगर ऐसा हो रहा है ग्रेट गो फॉर इट अगर आपको लग रहा है कि आपका मास्टरबेशन इतना कंपल्सिव हो गया है कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं काम छोड़ छोड़ के दोस्तों के साथ मिलना छोड़ छोड़ के यू प्रीफर टू स्टे एट होम एंड वॉच पॉन एंड फैप दैट्स अ प्रॉब्लम एंड इफ दैट्स हेल्पफुल फॉर यू एक्सेलेंट एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों के पास थेरेपी और ये मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल नहीं हो सक, होते हैं जहाँ आप ये चीजें जाके डिस्कस कर सकें तो अगर वहाँ फायदा कर रहा है मस्त करो। But ऐसा नहीं है कि या फैप करने से मतलब आपकी वाइटल एनर्जी चली जाएगी या कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा या डोपमिन रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ऐसे कुछ भी नहीं होता। मतलब it's, it's एक महीने में कितनी बार मास्टर में कितनी बार मास्टर कर सकते है? मैंने बहुत बेहतरीन आंसर सुना था पिछली बार आई एस पी पे किसी ने यह सवाल पूछा था एंड डीज आर माई फ्रेंड शी आंसर्ड श्री से एक दिन में कितनी बार डांस कर सकते हो <laughs> <laughs> खुद रुक जाओगी ना यार मतलब एक बार एक बार के बाद आदमी खुद थक के रुक जाएगा <laughs> हर किसी का नॉर्मल अलग अलग होता है पहली चीज एंड दूसरी बात कि कोई सेट नंबर नहीं होता है समटाइम्स आपका डिजायर बहुत ज्यादा होता है मन कर रहा होता है यू हॉनी इन यू यंग जब टीन एज ईयर्स में हॉर्मोन्स कम इन तो, तो बहुत मन करता है तब करने का ओवर द दर्स कम हो जाता है डिजायर सिमिलरली एंड सिमिलरलीफ यू डू माई पॉइंट ना फ्रॉर नो फैक्ट वैक्ट राइट तो इट्स लाइक कि अगर तुम एक हफ्ते में मान लो तीन चार बार मास्टबेट करते हो वर्सेस तुम जीरो मास्टबेट करते हो डू यू थिंक दोनों में कुछ फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप मास्टबेट नहीं करेंगे तो वो सीमन अपने आप बाहर आ जाएगा नाइटफॉल बन के इट्स लाइक ब्रेस्ट मिल्क यू नो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आप फीड कराते रहें तो वो मिल्क निकलता रहेगा आप फीड कराना बंद कर दे तो वो मिल्क लीक कर जाता है बहुत सारे ब्लैक पीपल कंप्लेन ऑफ लीकिंग सीमन में भी सेम है यू मेकिंग सो मच स्पर्म ऑल द टाइम दैट योर बॉडी विल फाइंड अ वे टू गेट इट आउट तो वो नाइट बन के निकल जाएगा अब प्रॉब्लम ये आती है नाइटफॉल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम नाइटफॉल इज़ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ सेक्शुअल डेवलपमेंट प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोग नो फैप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जब नाइटफॉल हो जाता है तो दे फील लाइक दे फेल्ड इन सम वे और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई मैं तो इतना मतलब वो क्या वट डज आकिर खान से सख्त लौंडा मैं तो सख्त लौंडा हूँ ये क्या हो गया मेरे साथ और बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं बहुत एंगजाइटी हो जाती है एक्चुअली ट्राइंग टू टू चैलेंज सो इट्स ओके इफ इफ यू यू डू 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 इट, इट। इट, इट। डोंट कोई हेल्थ आपका बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है

वजाइनल वॉश या पीनस वॉश बॉल वॉश डेडिकेटेड बकवास है बकवास है।, है क्योंकि वजाइना को कुछ नहीं करना चाहिए वलवा जो आउटसाइड पार्ट है उसको साफ़ करना चाहिए वो साधारण पानी से साफ किया जा सकता है वॉश की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लोग वॉश से ओवर वॉश कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है वॉश करने से उनके वल्वा से पीना को की स्मेल आएगी नॉर्मल नौर, स्मेल नहीं आएगी और फिर बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं

इम्यून रिएक्शन हो गया तो आपका डाकनिंग और हो जाएगी तो <laughs> उल्टा हो जाएगा मतलब और ही प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी ब्रेस्ट फॉर्मिंग क्रीम्स आप ग्रेविटी एक क्रीम से फाइट नहीं कर सकते हैं ब्रेस्ट में वजन होता है ग्रेविटी का, का काम होता है वजन पे खींच के उसको जमीन पे लाना सो ऑल ब्रेस्ट उसमें थोड़ा सा भी वेट हो तो वो नीचे सैग करेगा पीनस लेंथनिंग क्रीम्स पिल्सलूशंस पीनस का लेंथ नहीं बढ़ाया जा सकता है अगर आप पीनाइल एक्सटेंशन सर्जरी कराएं तो उसमें क्या करते हैं कि पीनस जो है ना बोन पे अगर ये प्यूबिक बोन है जो फ्रंट की बोन होती है उस उसमें पीनेस ऐसे लटका होता है और जितना आपका पीनस बाहर है उतना ही लेंथ आपका अंदर भी होता है पीनल टिश पीनाइल टिशू, पीनल टिशू। mm. वो यहाँ पे एक लिगामेंट से लटका रहता है कभी कभी उस लिगामेंट को ड्रॉप कर देते हैं ताकि थोड़ा और लंबा लगे कभी कभी पीनस वॉन्की हो जाता है उससे दिस इज़ वॉट हैपन्स इन पीनाइल सर्जरी दिस इज़ दी लिटरली दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू विच इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल वेरी ऑनेस्टली स्क्रीन, लोशन से कुछ भी नहीं होने वाला है कोई पीनस का साइज नहीं बढ़ेगा um, और क्या सो इन ब्राइटनिंग ब्राइट नहीं कर रही <laughs> और वो डार्क कर सकते हैं पीनल एक्सटेंडेड सर्जरी सर्जरी की जिससे तुम अपना पेनिस की साइज बढ़ाने के लिए सर्जरी करा रहे हो वो साइज बढ़ा तो ज्यादा देगा <laughs> <चीज़> <laughs>

क्योंकि उन्होंने मुझ पर केस किया था कि मैंने डेफामेशन किया है बेसिकली मैंने एक रील बनाई थी कि आपको जेनेटल लाइटनिंग क्रीम्स की ज़रूरत नहीं होती है और ग्रीन स्क्रीन पर पीछे मैंने इनका प्रोडक्ट मस्त लगा दिया था नाव हटा के <laughs> इन्होंने बोला हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई बोले डेफोमेशन का केस ठोक दिया uh, हमने केस वापस लड़ा क्योंकि ये उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे थे जो कि कॉस्मेटिक लेवल पर नहीं फार्मास्यूटिकल लेवल पर थे केस ख़त्म सो बट आई मीन बेसिकली हैं ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है Um, और क्या होते हैं बहुत चीजें हैं यार इस, इस इंडस्ट्री में तो भरी हुई हैं चीजें डी नो इंडिया में क्राइटेरिया इज दैट द एडवर्टाइजिंग और द प्रोडक्ट इमेजिंग शुड नॉट बी ओपसिन ना उपीन इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड ओके सो so, आप फंस भी सकते हैं नहीं भी फंस सकते हैं जैसे अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ आई वर्क विद दिस ब्रांड कॉल्ड लव डिपो एंड आई क्रिएट एजुकेशनल वीडियोज़ फॉर दैम और उन्होंने मेरे को कुछ सामान भेजा था वीडियो बनाने के लिए वेरी स्मॉल इतना बड़ा सा वाइब्रेटर उसमें बुलेट वाइब्रेटर बोलते हैं उससे एंड uh, मैं भूल गई कि मेरे सूटकेस में वो पड़ा हुआ है अब अलाहाबाद में जब आप फ्लाइट लेते हैं तो आपका चेक इन बैगेज स्कैन होता है hmm. इंदौर में भी होता है <laughs> अब स्कैन पे वो मुझसे कह रही है आपके बैग में बैटरी है भैया बैटरी नहीं हेड ड्रायर समझ रहे हैं आप वो हेड ड्रायर है सर <laughs> नहीं नहीं बैटरी है बैटरी है बैटरी है जी चीपो तो पो थोड़ी देर हुई कहती है बैग खोलिए कौन सी बैटरी है अब बैग खोला तो उसमें से निकला वाइब अच्छा इलाहाबाद में सी स्टाफ मैनेज करता है एयरपोर्ट निकला अनाउंस उस लाइक अरे बुलेट वाइब्रेटर अनाउंस शी ओनली हॉट बुलेट अब वो तो पैनिक में चली गई <laughs> ये क्या है मैंने कहा मैम मसाजर है मसाजर कहती कौन सा मसाजर है वो समझ में नहीं आया मैंने कहा मैम नेक मसाजर है <laughs> 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 कहती है इतने छोटे से मसाज क्या थैंकफुली सम सीआरपीएफ पीपल एफ मी बिकॉज माई कॉन्टेंट ओवर दैर तो देवल है करिए तो डॉक्टर की एंड डॉक्टर की ओड्रेस बात डिफ्यूज हो गई वहाँ पे बट आई हैड टू एक्सप्लेन वॉट अ पर्सनल मसाजर इज बट वो अपसीन नहीं दिखता है ना इतना छोटा सा है तो मैं फंसी नहीं बट वही अगर पीनस के शेप का होता

फिर हाँ तो ये तो बहुत ही थिन लाइन है मतलब yes. टेक्निकली जिसको फसाना है फसा देगा एंड इंडिया में आई थिंक आई रेड दिस रिसेंटली 600 करोड़ का मार्केट है um प्लेजर प्रोडक्ट्स का या या एंड इंपोर्ट होता है सब सो टेल मी लाइक इट्स नॉट इलीगल बट इट्स जस्ट की ऑब्सीन है तो ऑब्सीनिटी लॉज है इंडिया में एंड दैट्स आल्सो अनदर ब्रिटिश रेमिनेंट यू नो दिस ऑब्सीनिटी लॉ क्या है कि ये मतलब ये ब्रिटिश उसका है कि उस टाइम पे एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन जो आज हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल प्रोसीजर में आएगा ये पता नहीं मुझे नहीं पता लॉज में आता है <laughs> मुझे थोड़ा सा भी दिखता है कि इसमें इलीगल लीगल का कुछ भी होगा मैं दूर रहता एब्सोल्युटली नो दैट्स लाइक मुझे डेडलाइंस में भी जाना मुझे सोचना भी नहीं है <laughs> <laughs> <Great. laughs> no, रिसर्च कर रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे नंबर मिला एक बहुत इंडिया में बड़ा क्वॉन्डम सेलर है उनके एशिया हेड से बात करी थी बुक एंड मी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग की इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एडेबल एडेबल क्या बताऊँबल

And this person who I was speaking to, he mentioned that the states of Odisha and Jharkhand are the largest consumers of edible underwear in India. Why? I don't know. Rasgulla, flavored underwear. <laughs> who knows? <laughs> really? Yeah. That's what he told me. I don't know. I don't have any stats to back it up. But the industry leader ne tha. What's the point of edible underwear? Foreplay, I guess. I don't know. Some people find things enjoyable that we don't understand. It's okay. Yeah. <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> मुझे बस का डर लगता है इसलिए अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो मैं बताती हूँ कि शुगर बहुत है यूस्ट इन्फेक्शन हो सकता है बी केयरफुल बट यू नो आई विल नॉट it. <laughs> totally. Uh, <laughs> ओके व्हाट आर अदर फैक्ट यूट मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्या थे माय फेवरेट आई लव शेयरिंग दिस वन सो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने फैमिली प्लानिंग यूनिट स्टैब्लिश किया था 1950s में बन चुका था वैन मोस्ट कंट्रीज वो अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग सो वी वेरी प्रोग्रेसिव इन दैट रिगार्ड और इंडिया ने एक जमाने में इंडिया यू जर्मनी और कहीं और फॉर गेटिंग द थर्ड कंट्री तीन जगहों से कॉन्डम्स इंपोर्ट करते थे एट अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस ताकि इंडिया में फ्री में कॉन्डम बांटे जा सकें बट फिर सोचा गया कि भाई ये तो थोड़ा बेकूफ़ी का काम है इससे अच्छा हम अपना ही मैन्युफैक्चर कर लें केरलाबोरिथ स्टेट तो केरला में हिंदुस्तान लेटेस्ट इस्टेब्लिश करी गई दैट वाज द फर्स्ट कंपनी इस्टेब्लिश हियर टू मैनुफैक्चर कॉन्डम्स और जो पहले कॉन्डम्स का ब्रांड रखा जा रहा था आज उसे निरोध बोलते हैं इंडिया में बिकॉज निरोध मतलब प्रोटेक्ट प्रिवेंशन होता है hmm. उसका नाम रखना था कामराज in, कामुक इच्छा का राजा पर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का, के प्रेसिडेंट का नाम था के कामराज <laughs> इसलिए ये नाम नहीं रखा गया एंड दैट्स वाई निरोध इज कॉल्ड निरोध आई लव दिस

Pleasure in pain is also increasing in around the world. Now very high. On sex toys or bots are different, different types. Like there are different PDSM is like of now a huge form. Where in fact I was I was in Colombia. There was this I met a trainer. Okay. So we were at a conference where most of the world trainers would come together and different, different biomedicals, and age cook as a you know.

सो so, वो दो साल लोगों को एस ए डिग्री सिखाता है कि दूसरे कैसे सामने वाले को हर्ट करो इन अ वे दैट दे फील प्लेशो सो दिस इज बिकमिंग अ रियल थिंग एंड ही लुक लाइक इज मेकिंग बॉम्ब राइट एंड स्पेसि स्पेसिफिकली पोस्ट फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे इट इज बिकमिंग अ गुड इट इज बिकमिंग अ बिग थिंग वाई डू यू फील वाई इज इट बिकमिंग बिग वाई डू फील लाइक

ड्रेनोलिन रिलीज हो रहा है न्यू जिस लाइक एक्साइटमेंट चल रहा है ऐसे दिस इज वॉट द लॉजिकल पार्ट ऑफ माई ब्रेन थिंग्स द अदर पार्ट माई ब्रेन ऑल्सो थिंग्स की नॉवल्टी है यार नोव इंसान को नॉवल्टी चाहिए हर समय न्यूनेस बस हमारे सारे ब्रेन सिस्टम्स फायर होने लगते हैं हो मजा आ रहा है नई चीज़ें एंड या एंड मे बीस जस्ट अवेल्टी एंगल दैट्स यू नो हु नोज एंड बी डी एस एम सब कल्चर बहुत बड़ा रहा है हमेशा से बस वो अंडरग्राउंड था अब ये सारे सब कल्चर्स किंग कल्चर बहुत मेन uh, स्ट्रीम होता जा रहा है एंड मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इन टू इट एंड टॉकिंग अबाउट इट विच इज इंटरेस्टिंग आई लाइक इटम शर्म हट चाहिए लॉजिकल विच आई फाउंड लॉजिकल एंड मैन मैं अपने खुद को ऐसे मनाता हूँ कि कि इसकी वजह से ये बढ़ रहा होगा इफ़ यू लुक एट एनी थिंग इन एक्सपीरियंस जो नहीं जहां पर भी लोग अडिक्ट होते हैं कुछ ना कुछ सेम चीज करके वहां पर वो एक level पर जाना जाते हैं फील अटन लेट इज वेर तुम रोज सेम जिम करोगे तुम बोर तुम जाओगे नहीं इफ देस कॉन्स्टेंट क्योंकि बीट दिसन यू और दर्द करते हो और ज्यादा और ज्यादा प्रेशर और <laughs> रॉक क्लाइंबर यू डू वट एवर बी एज सिंपल एज कार तुम कार चलाते हो तुम पहले साठ में डरते हो साठ की स्पीड चलाओ फिर तुम्हें अवस्थी फिर तुम्हें वो एड्रिन तब मिलता है जब वो दो सौ के ऊपर जाएगा सो आई थिंक हर किसी का एक जो स्ट्रेस मीटर है

पेन फॉर सेक्शुअल प्लेजर उसने लाइट बल्ब डाल दिया अब दिसकिन भी सो डेंजरस इन सो तो में वो बल्ब फट गया अगर, अगर अंदर तो हम क्या करेंगे सो आर चैलेंज वॉज नॉट जस्ट टू टेक आउट दिस लाइट बल्ब बट टेक आउट दिस लाइट बल्ब इंटैक्ट कि उसको पेशेंट को डैमेज तो ना हो जाए हाँ, तो इससे अच्छा हाँ मतलब ऐसी ऐसी <laughs> प्रॉब्लम्स होती हैं विच इज़ वाई वी नीड टू फील लाइक दिस वेरी फेमसली लाइक वेरी फेमसली एक बार यू uh, एस में अभी हाल में ही हुआ था पिछले पाँच साल में अ मैन हैड इंसर्टेड एन ई लॉफ एजीनस

एक नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या बहुत सारी ऑडियंस हमें ग्रोस आउट कर रही है यू आर लाइक बड़ी इंटरेस्टिंग थी डॉक्टर वर्सेज नॉन डॉक्टर इज दिस कि जो हमें ग्रोस आउट कर रही है वो इंटरेस्टिंग लगती है मेडिकली तो मतलब ये है ना क्या चल रहा है यहाँ पे <laughs> दिमाग में क्या चल रहा है बट <laughs> वट वट दिस एक्सट और इंडस्ट्री हैज़ डन इज़ कि अब हमें ये पता है कि आप अगर एनस में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर sure उसका बेस फ्लेयर्ड हो मतलब उसका बेस ऐसे होने की जगह इससे बड़ा हो क्योंकि एनस क्या करता है ना चीज़ें सकअप कर लेता है जैसे वजाइना में कुछ खो नहीं सकता है पर एनस में खो सकता है तो अगर एनस का इतना डायमीटर है और उसका बेस इतना बड़ा है तो ये चाहे एनस जितना सकअप कर ले उसे इंटस्टाइन उसको जितना सकअप कर लें एक लेवल पे आकर वो फंस जाएगा क्योंकि बेस फ्लेयर्ड है इसलिए एक्साइस सेफ होते हैं वो सेफ मटीरियल्स के बने होते हैं आई एम नॉट देट टू यक एनी बडीज यम जिसको जो करना है करें बस सेफली करें और मतलब किसी और को डैमेज ना करे इज्लीगली ना करें ओबियसली सो आई एम ऑन बोर्ड ओके वैन वन क्वेश्चन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आस्क अ गाइनैक बट यू आर द क्लोजेस्ट आई एम स्पीकिंग टू वेरी ओपनली सो आई कैन आस्क यू देर इज वन थिंग इन इंडिया एटलीस्ट तुम ऑनलाइन पढ़ते हो कि बहुत सारे पार्टनर्स को मेल पार्टनर्स को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करने होते राइट और उसकी वजह से बहुत बड़ा इशू है कि जो पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही हैं एंड एस टी होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती है राइट तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे और बहुत सारी मैरिड कपल्स आते होंगे राइट बहुत सारी प्रॉब्लम तो क्या मेजर टू थ्री रीज़न्स हैं क्यों एंड एक्चुअली टू थ्री मेजर रीज़न्स बताओ कि क्यों लोगों को कॉन्डम्स यूज़ नहीं करना है दैट इज़ वन क्या लोग बोलते हैं बिकॉज आई एम श्योर दे यूज टू कम टू यू दे वुड बी कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू मेरा पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा क्यों नहीं कर रहा तो क्या रीजनस है क्यों नहीं कर रहा मीनियो बोत आई थिंक पहली बात तो ये है कि फैटिशाइजेशन है कि डूइंग्रॉ इज़ बेटर यू नो लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि कॉन्टन okay. से खराब हो जाता है या कॉटनम से मज़ा नहीं आता कि क्या किसी ने मुझे डी एम लिखा था कि अगर मुझे गुलाब जामुन खाने हैं तो पन्नी में डाल के थोड़ी खाऊंगा और समथिंग वे पीपल थिंक ऑफ इट यू नो इनटेड करते हैं तो ज्यादा मजा आता हाँ? है तो मज़ा नहीं आता दिस इज बेसिक लोग जो बोलते हैं बट आई थिंक यू नो इफ यू आर सेफर तो ऑटोमेटिकली मजा आ जाएगा ना दिमाग में स्ट्रेस नहीं होएगा <laughs> दूसरा एक्चुअली काफ़ी लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग ऑन अ कॉन्डम इन द मिडल ऑफ सेक्स काफ़ी लोग का फ्लो टूट जाता है लोगों को ये लगता है तो उसकी वजह से दे लूज़ द डायरेक्शन समटाइम्स तो इसमें हम लोग ये एडवाइस करते हैं जनरली कि मेक पुटिंग ऑन द कॉन्डम अ पार्ट ऑफ योर फोपले आप दोनों पार्टनर्स मिलके करो ये नहीं कि एक कोने में खड़े होकर शर्म में ऐसे कॉन्डम चढ़ा रहा है जैसे जनरली ऐसी ही होता है आप उसको फोर प्ले में इंक्लूड कर लो आप अपने पार्टनर के साथ उसे इंक्लूड कर लो तो उससे ये प्रेशर हट जाएगा कि कोई मतलब जल्दी से एक काम खत्म करके आ जाना है एंड uh, और यू कैन यूज फीमेल कॉन्डम्स इंटरनल कॉन्डम्स बहुत प्रैक्टिकल होते नहीं है यू कैन पुट इट इन बट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल हु बिन वेरी हैप्पी यूजिंग दम ऑप्शन मतलब इफ इट वर्क फॉर समबडी ग्रेट

फेल स्ट्रेंज एंड ऑल्सो आई थिंक मे बी इट्स सिम्बल ऑफ अमरी हु कॉन्डम बिकॉज यू नो इट माई फील स्ट्रेंज इट्स अ न्यू सेंसेशन तो वो उस न्यूनेस की वजह से लोग हेजिटेट करते हैं अन बिग थिंग टू रिमेंबर इज लेटेक्स एलर्जी भी बहुत होती है लोगों को तो उसकी वजह उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास लेटेक्स फ्री कॉन्डम्स भी आते हैं अब विद ऑल ऑफ दिस सैड ऑल ऑफ यूर रीजन पोटोसाइड यू डों नीट टू यूज कॉन्डम्स द बिलियन मिलिडा गेट्स फाउंडेशन उन्होंने दो हजार छः या दो हजार सोलह में एम फॉर गेटिंग विच यूर एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया था टू मेक सेक्स योर कॉन्डम्स और उसका प्राइस मैंने वन मिलियन डॉलर्स था उसका हुआ क्या आगे मैंने फॉलो अप नहीं पढ़ा बट देर आर पीपल वर्किंग ऑन मेकिंग सो पीपल ओके बट द वियर्डेस्ट बट्स दियर यूर फॉर वाई कॉन्ट कोई पार्टनर आ गई किसी ने तो बोला होगा कोई किया ये नहीं बहुत सिंपल रीजन मज़ा नहीं आता मैंने कुछ अनोखा नहीं सुना है इस डिपार्टमेंट में जनरली बहुत अनोखी चीजें सुनती हूँ <laughs> इस डिपार्टमेंट में नहीं सुना शायद <laughs> कभी भी नहीं कुछ भी नहीं नहीं यही सब बोलते हैं कि प्लेजर प्लेजर इज द मेन थिंग पीपल पीपल्स साइज का इशू बहुत होता है एक्चुअली इंडिया में इंडिया में साइज में वैरायटी नहीं है बहुत ज्यादा आप ये जाके नहीं बोल सकते लार्ज कॉन्डम दो या स्मॉल कॉन्डम दो फॉरेन में इफ़ यू गो अब्रॉड आपको अच्छे से मिल जाएंगे विच इज़ नॉट ग्रेट बिकॉज कॉन्डम का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो फट सकता है इफ़ इट्स टू स्मॉल सॉरी इफ इट्स टू स्मॉल तो वो फट सकता है एंड इफ़ इट्स टू लार्ज तो वो स्लिप ऑफ कर सकता है और लोगों को वैरायटी में दिक्कत होती है आई हैड अ फ्यू डी एम्स अबाउट दिस यू मैंट उससे याद आया बट but... अजीब कुछ नहीं सुनाया अभी तक अभी, अभी तक तो नहीं एक बार आई व सिंगापुर ओके एंड सिंगापुर में मैं आई थिंक क्लाकी करके कोई एरिया है वहाँ उसके पास में था शायद एंड आई एंटर्ड लाइक अ सुपर मार्केट विच इज़ अ व व वेरी नॉर्मल सुपर मार्केट एंड क्लाकी इज लाइक अ प्लेस वैद नॉर्ड नाइट क्लब एंड स्टॉक राइट तो आई थिंक सेवन इलेवन ही था वो आई आई डोंट रिमेंबर आई थिंक सेवन इलेवन था कुछ था फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ लाइक अ होल आयल ऑफ होल आयल ऑफ देर आर लाइक एट लीस्ट फिफ्टी डिफरेंट ब्रांड्स पा विथ लाइक 50 different options of what 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 not what not there are like neon condoms there are like glow in the dark con I was like what is going this is like a buffet <laughs> <laughs> within in our country we know five flavors like Haan. that is what काला खट्टा पान मैंने काला खट्टा देखा है क्या बात किसी ने मुझे फोटो भेजा था I was like ये है innovation देख रहे हैं आप

इनफैक्ट ऑक्सफर्ड में अनादर थिंक दैट वॉज वेरी शॉकिंग फोर मी हमारे कॉलेज में जैसे क्लास रैप्स होते हैं ना तो हमारे कॉलेज वेलफेयर रैप्स होते थे जस्ट टू मेक श्योर दट एवरीबडी इज हैविंग गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ Uh, कोई प्रॉब्लम होती थी आप वेलफेयर ऐप के साथ पास जा सकते हैं एंड दे वर स्टॉकड विद कॉन्डम्स एंड डेंटल डैम्स एट ऑल टाइम्स प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स कॉन्डम्स डेंटल डैम्स ये सब आप वेलफेयर ऐप से ले सकते थे विच क्रिएटेड अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट कि अगर आप स्ट्रेस में हैं कैन ऑलवेज गो दैट कॉलेज में यू नो इन सर्टन प्लेसेस कॉन्डम्स रखे रहते थे दैट इन केस यू डो नीड टू गो एंड यूज इट इट्स अवेलेबल शर्म नहीं आनी चाहिए जाके खरीदने में स्ट okay. um, hmm, like in right? okay. no आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेंट की ज़रूरत है भाई मामा चाचा बॉयफ्रेंड पति किसी की जरूरत नहीं है अपना कंसेंट गो एंड आस्क एज लॉन्ग इज यो ओवर एटीन ईयर्स ऑफ एज एंड ट्वेंटी वीक्स तक आप करा सकते हैं तो कोई 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 आपसे सवाल सवाल नहीं कोई जवाब नहीं नहीं पूछेगा जवाब मतलब मतलब पूछेंगे सवाल, बेसिक पूछेंगे बेसिक आपकी काफी मतलब डॉक्टर्स ये तो हाँ, बोलते हैं कि आप किसी और को साथ में लेके एक्सपीरियंस तो आपके पास सपोर्ट के लिए कोई रहे आप एनेस्थेटाइज्ड होते हैं प्रोसीजर में उसके बाद आपके साथ कोई रहे इसलिए बुलाते हैं बट प्रोसीजर पेपर वर्क वाइज कोई जरूरत नहीं है अगर उसमें बुला रहे हैं तो गलत बात है ईजिया फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड सो इफ से नॉट टेकिंग कॉन्ट्रसेप्टिव पिल हाँ देन वॉट आर द वेस्ट दैट यू कैन अवॉइड प्रेगनेंसी सो लेट्स थिंक ऑफ इट लाइक दिस आप यू एंड योर फ्रेंड लाइक इच अदर ठीक है आपको लग रहा है सीन बनने वाला है आपने सीन बनने से पहले उसको फ्रेंड जोन कर दिया हुँ. ये हो गया कॉन्ट्रोसेप्टिव कुछ होने से पहले ही आपने प्रिवेंट कर दिया सेकेंड हुआ कि यू एंड योर फ्रेंड आई हैविंग अ सीन बोथ इन टू यू ज्यादा किस पे हो गया किसके बाद आपको लगा अरे बाप रे नहीं 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 चलना है एंड यू ब्रेक अप आर्ट अब इमरजेंसी हो गई है चीज़ें हो चुकी हैं बट यू डिसाइडेड टू एंड इट देर ये हो गया एमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टव इसमें कुछ टाइम के अंदर इफ़ यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन सेवेंटी टू आवर्स आप ओव्यूलेशन को रोक सकते हैं यानी कि एग के रिलीज को रोक सकते हैं उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अनारकली को दीवार में चुनवा दो, यू you नो know, अनारकली बाहर नहीं आएगी तो सलीम कैसे मिलेगा ये इससे पहले कॉन्डम्स यूज like कर लिए पिल्स खा लिए कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस लगा ली बहुत सारी चीज़ें होती, होती है जो ये पिल्स होती हैं ये आप पूरे महीने खाते हैं और इनके नॉन कॉन्ट्रोसेप्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं आई हैव एंडोमीट्रियोसिस मैं खाती हूँ इसलिए सो दैट मुझे पीरियड पेन कम हुए मेरा पीरियड एंडोमीट्रियोसिस मैनेज हो जाए Um, फिर हुआ कि अब योर इनटू योर फ्रेंड सीन चल रहा है अब सेक्स हो गया है अब क्या करना है अब ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप करना हुआ इज अबॉर्शन अब अबॉर्शन के भी दो तरीके होते हैं मेडिकल अबॉर्शन या सर्जिकल अबॉर्शन डिपेंडिंग ऑन आपकी मेडिकल हिस्ट्री प्लस एज ऑफ द प्रेगनेंसी आपका डॉक्टर विल हेल्प यू डिसाइड कि मेडिकल ऑप्शन है आपका या सर्जिकल है मेडिकल है तो कुछ दवाइयाँ खा के अबॉर्शन होता है इट फील्स लाइक अ पीरियड लाइक अ वेरी हैवी पीरियड क्रैम्पिंग होती है मेडिकल uh, सुपरविजन में करना चाहिए बिकॉज इट कैन बी फेटल क्योंकि प्रेगनेंसी कभी कभी यूट्रस के बाहर भी इम्प्लांट हो सकती है इसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं तो इस केस में ये फेटल हो सकता है दैट्स ऑलवेज डू इट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर फार्मेसी से ऐसे जाके लेना नहीं है दूसरा होता है सर्जिकल उसमें हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं सो दैट यू डोंट फील पेन एंड देन सर्जिकली वी कैन रिमूव द प्रेगनेंसी वही है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉट डू गाइज डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दिस Any of them <laughs> Neither to the girls actually for that matter. Yeah, because you know, I think this is such a crucial knowledge that people should know because XYZ reason. Anytime it can happen with you, your partner, your sister, your friends, any anybody, right? And it should be someone at least who can be like a support system because Tumarasat Kuchni orab. Right? It has happened with some because of you or because of someone else, it has happened. So now यू शुड बी दपोर्ट सिस्टम सो वॉट शुड बी द वे फॉर अ गाइड टू लाइक ओके ना वॉट फर्स्टली एजुकेट योर सेल्फ ऑन द लॉज क्योंकि अगर आप नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको कोई एक्सप्लोर कर सकता है आपके आपके फ्रेंड आपके रिश्तेदार वट एवर लॉज को अच्छे से समझें और दूसरों को भी अदर डॉक्टर्स जो डराते हैं जज करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं मैंने सुना बहुत है काफ़ी डेम्स में मैंने सुना है बट क्या करें यार सोसाइटी ही ऐसी है मतलब डॉक्टर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी

तुम इनके साथ ऐसा कर रहे हो लाइक एंड देन उसको दिए कि आपको ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे नहीं होगी रात को सो जाओ सो इफ दिस कैन हैपन देन आई कैन बिलीव एनीथिंग कैन हैपन अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले और गाइनकोलॉजिस्ट है हर कि बेटा तुम बहुत एम्बिशस हो इसलिए तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है इसलिए तुम्हें पीसीओएस हो गया है एम्बिशन कम कर लो ये सब क्या करियर शी आई थिंक शी वाज अ बैंकर इन इन्वेस्टमेंट बैंक ये uh, क्या ये सब दौड़ती रहती हो फोन फोन के पीछे बैंकिंग बैंकिंग छोड़ तो ये सब शादीवादी कर लो वो हो गई है बत्तीस साल की हो गई हो पीसीओएस एंबिशन की वजह से हुआ है रियली आई टू दिस बॉगल्स माय माइंड क्या-क्या बोला जाता है लोगों से व्हाट्स द वियर्डेस्ट डीएम यू हैव गॉट आज <laughs> 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 hmm. <laughs> <laughs> आते हैं यार बहुत अजीब अजीब से आते हैं आई थिंक रिसेंट uh, वन जिसके बाद माई टीम मेंबर हूँ हैंडल्स माई ई मेल्स शी कॉल मी एंड चीज लाइक मैं ये नहीं करने वाली हूँ मैं दो दिन ई मेल से छुट्टी चाहिए वॉज समी है रिटर्न इन द बायो कि नॉट द बायो सॉरी द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज सेड इज इट ओके टू बैंग योर मॉम एंड देन द बॉडी ऑफ द ई मेल सेड आई रीडियो वन हैव सेक्स विद माई मदर नहीं आई आई लाइक टू हैव सेक्स विद माई मदर शी एंड आई आर ओके विद इट

So, I didn't hear this. <laughs> I just, but I, I don't get I stay. get some variation sure. of this once every two months, huh? <laughs> okay, what is happening? <laughs> <laughs> the world is a messed up place. Beautiful messed up place. It's crazy. It's really this is a thing? Mm -hmm. oh my Incest God. porn is like ridiculously popular in India, no? Someday. I think Pornhub came out with some data. ऑडियोअल वर्जन ऑफ इट अच्छा इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च और मोस्ट सर्च कैटेगरी 50% of internet consumption is porn. Yeah. And out of that 50%, highest is this bhabi Pond. Bhabi <laughs> Pond. In India specifically. That's insane. Sounds like a band name, Bhabi Pond. <laughs> Yeah, and US met stepsister or stepbrother. Oh, God. So US is stepsister or stepbrother, India is bhabi. I mean, technically, I don't know what to call it, but similar sort, just yeah, different society yeah. angles. Just incest man. All kinds of incest people are into weird stuff. It's ridiculous. Yeah. 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 I mean, I yeah, whatever. <laughs> <laughs> no, no, no. But for on a serious note, these are the I mean all of these things will start reducing if we educate and talk about all of these things very openly. I mean, if people know the right way to desire, the right way to do certain things, the right way to Actually, feel themselves and make other person feel a certain way. I think, बहुत problems कम हो Be healthier and happier in their bodies. Huh. Oh, that's how you call it. <laughs> <laughs> the easier version of what I just said. <laughs> <laughs> no, but you know, okay. if you think about it, jitna taboo hota topic, उतना उसके बारे misinformation yeah. My example is always Area 51 in the US. Hmm. Area 51, they've just shrouded it in secrecy. Ab aliens or aliens aliens. <laughs> they X ray. Bhi hai, aliens. aliens. You know, so just talking about things takes away a lot of power from them mm. and normalizes it for everybody. True. So, normalizing one last thing because we know that one of the most washed content for you was this, and I think it's, very, it's really important because we were just talking about men. That was five surprising facts about penis. <laughs> okay so tell us and that's how we end that's very important for everybody to know because my 50% audience is men <laughs> <laughs> five surprising facts about the penis babies can have erection while right inside the uterus but like when somebody is pregnant with a male child that baby can have an erection <inaudible> on ultrasounds on x-rays not x-rays but yeah inside the yeah yeah body yep. oh. It's just normal sexual development. The body's understanding a cha ye, aise hota hai, ye hota. It's not sexual. Okay. The is not capable of sexual thoughts at that point. But uh, yeah, yeah, it happens. Okay, that's one. <laughs> uh, number two, penile lengthening surgeries are not. Good. Bad. What? Come on, give it a go. <laughs> give it a word. I mean they they can they can They're cause problems. अदे दे कैन भी प्रॉब्लमेटिक दे नॉट द सुप मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन द वर्ल्ड वो एक डेढ़ इंच ज्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है एवरेज पीनस साइज ग्लोबली इज़ बिटवीन फाइव पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट फाइव इंचिज़ नॉट वाट पीपल दिस इज ए रेक्ट पीनस नॉट वाट पीपल थिंक सेवन इंचज़ नॉर्मल है एक लड़की ने बहुत बढ़िया रील बनाई थी कि उसने अप मुँह के बगल में एक इंच टेप खोला था बारह इंच एंड लाइक क्या करोगे इतने का <laughs>

Uh, सीधा नहीं होता है कुछ का अपवर्ड्स पॉइंट करता है कुछ का साइडवेज पॉइंट करता है कुछ का डाउन पॉइंट करता है लाइक लॉट्स ऑफ डिफरेंट डरेक्शंस ऑल नॉर्मल वेरिएशंस और क्या हाँ सम पीपल कैन हैव अ कंडीशन वेयर अगर उनका फोर स्किन सही से स्ट्रेच नहीं हुआ है इफ दर नॉट सर्कमसाइज तो फोर स्किन फंस सकता है चिपक जाता है बेसिकली पेनिस पे इसको हम बोलते हैं फाइमोसिस इसको बहुत अग्रेसिवली लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड दे कीप पुलिंग द पेनिस विदाउट द फोर स्किन सॉरी विदाउट लर्निंग द प्रॉपर टेक्निक ऑफ फिट और इसकी वजह से अक्सर ज़ोर से फोर्सफुली वो पीनस पीछे फोर स्किन uh, पीछे खींच लेते हैं और फिर फोर स्किन में अटक जाता है देन इट कैन गो बैक इसको हम बोलते हैं पैराफाइमोसिस दीज आर बिग प्रॉब्लम दैट अलॉट पीपल कम टू द हॉस्पिटल फॉर यू कैन ब्रेक योर पीनस देर इज नो बोन इनसाइड द पीनस इन ह्यूमस इन एनिमल्स देर इज बट कैन इफ सो बेसिकली जब उसमें ब्लड भर जाता है सो इट्स वेरी लाइक रिजिड एंड अगर उस पर बहुत तेज ब्लंट फोर्स लगे चाहे मास्टरपेशन के थ्रू चाहे सेक्स के थ्रू यू कैन ब्रेक इट एंड इट नीड्स इमीडिएट सर्जरी माई फेवरेट पीनस फैक्ट वन ऑफ माई फेवरेट पीनस फैक्ट्स देर इज अ फैलोलॉजिकल म्यूजियम एन आइसलैंड सो इट्स द म्यूजियम ऑफ पीनसिज एंड दे हैव अ पीनस दैर विच इज़ अ ब्लू वेल का पीनस का टिप एंड एट सिक्स पॉइंट सेवन फीट लॉन्ग टिप टिप टिप

Be like this, so penis vagina, uh, sorry, duck penises, penis vaginas, mm. duck penises evolved to be like this in response to that. It's it's very bizarre. I have a whole chapter on all of this in, in this book. <laughs> in my book, <laughs> <laughs> you're writing another one. I'm writing another one. What's the name um, of the another book? So, this one is ek children's version nikal rahe hai, because this is probably for 16 and above type people. children's version, nikal rahe hai, which is one thing happening, and the second thing that's happening is I'm working on a book on something secret. <laughs> okay, <laughs> wow, wow, really? Okay, Have you contract signed, you were? <laughs> ah. <laughs> tell me in one line, and that's how we end. Why should people read this book? Because it contains everything nobody tells you about your body, also, the title of my book. <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> थैंक यू सो मच फॉन्विंग पेंडिंग थैंक यू सो मच फॉर कमिंग here. थैंक यू सो मच फॉर watching दिस एपिसोड टिल the एंड हमें बताओ कि और कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप देखना चाहते हो हमारे एपिसोड पे कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है बहुत इंसाइटफुल हैं लेकिन उनसे ज़्यादा बातें नहीं हुई है उनसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए तो आप हमें बताओ कि वो कौन से ऐसे लोग हैं हमें गेस्ट के सजेशन्स दो हम उन्हें लेके आएंगे और आप हमें क्वेश्चंस बताओ कि क्या आप क्वेश्चन चाहते हैं उनसे पूछना हम उनसे वो पूछेंगे ताकि आपको एक बेहतर एपिसोड मिले हर किसी को उनसे सीखने को मिले और हम सब साथ में इस कंट्री को ग्रो करें क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन इनफ है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए Until the next episode, keep figuring out. And before you log out, you know that you have to share this with at least one person, just to life make positive impact. I know.